नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो डेली नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, और डेली ही ये सीरीज हमारा चल रहा है, प्रतिदिन आएगा, और आज है 9 जुलाई। सो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, बिना देर किए क्वेश्चन पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट ब्रांड कैंपिजन? इट्स बिटवीन यू इन इंडिया दैट नरेट्स अ रियल स्टोरी अबाउट हाउ इंडियंस कम्युनिकेट डेली इन देयर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप। एक सोशल मीडिया है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, उसने कैंपिजन चालू किया है जिसका नाम है इट्स बिटवीन यू, आप दोनों के बीच में। ओके, जो कि अपना स्टोरी नैरेट करता है कि इंडियन जो हैं वो कैसे अपना रोज का जो दिनचर्या वो कैसे बात करते हैं। सो उससे रिलेटेड एक कैंपिजन चालू किया है, वो कैंपिजन व्हाट्सएप ने चालू किया। फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो वीकली संस्कृत न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम? ऑल इंडिया रेडियो ने एक अपना नया वीकली संस्कृत न्यू मैगजीन प्रोग्राम चालू किया। फ्रेंड्स, उसका मैगजीन का नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था दूसरा। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एन ई लर्निंग पोर्टल नेम एज लीड विच कंप्राइजेस 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड कोर्स कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 12। ये जो दिल्ली के बच्चे हैं, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, उनके लिए एक अच्छा न्यूज़ है कि वो अपने घर बैठे ऑनलाइन अपने स्टडी कर सकते हैं लैड के थ्रू। लैड का पूरा फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ओके, तो ये पहली से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एक अच्छा लर्निंग पोर्टल है, जिसके सहायता से स्टूडेंट्स अपने घर पे बैठे हुए अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें 10,000 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड कोर्सेज हैं फ्रेंड्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड हैज़ लॉन्च विच स्कीम टू प्रोवाइड सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंटर्नशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड वर्कशॉप अक्रॉस द कंट्री? वो है उसका, जो भी रिसर्च बोर्ड ने बनाया, जो स्कीम लॉन्च किया है, वो है एक्सेलरेट विज्ञान। ओके, पहले क्या था कि अलग अलग प्रकार के इंटर्नशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप अलग अलग देश हमारे देश में अलग अलग जगह पे होता था, लेकिन अब एक ही जगह पर इन सभी चीज़ों को किया जाएगा। उसका नाम दिया गया, स्कीम का नाम एक्सेलरेट विज्ञान। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन वृक्षारोपण 2020 2020 कैंपिजन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने वृक्षारोपण 2020 कैंपिजन चालू किया है। ओके, सो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम बलराम? एक स्कीम है वो बलराम करके है। ओके, टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफ रुपीज़ 1,040 करोड़ टू लैंडलेस फार्मर फेसिंग हार्डशिप ड्यूरिंग कोविड-19। फ्रेंड्स, जैसे बता दूं कि पीएम किसान है, जिस प्रकार से एक फार्मर को मिलता है कि पहले था कि 2 हेक्टेयर, अब तो कितना भी ज़मीन हो तो उसे मतलब साल में 6,000 रुपये मिल जाता है। वैसे ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने निकाला है कि वो जो उड़ीसा गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो है बलराम करके है। ओके, जो कि 1,040 करोड़ खर्च कर रहा है अपने लेबर्स को, लैंडलेस फार्मर को प्रोवाइड करने के लिए कोविड के समय में। ओके, जो खेती नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। सो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बलराम स्कीम आपसे पूछा जा सकता है, क्या है, कौन से राज्य का है, क्या खर्च हुआ है, किसके लिए है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड विच कंपनी ज्वाइन हैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कोल्ड कोवैक्सीन?
कोवैक्सीन जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, नहीं देखे होंगे तो आप पिछले वीडियो जाइए और इसके बारे में देखें, आपको उस दिन का पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है। कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक ने बनाया है, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। ओके, अभी इसके साथ पार्टनरशिप कर लिया है ICMR ने, ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट यूटी हैज लॉन्च अ मोबाइल वैन धनवंतरी रथ प्रोवाइडिंग एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस टू द पीपल। एक राज्य है जिसने धनवंतरी रथ करके एक स्कीम चालू किया है, मोबाइल वैन, ओके, जिसमें हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगे वहाँ के लोगों को, ठीक है। वो राज्य है गुजरात, ओके। सो ये स्कीम के थ्रू, धनवंतरी रथ के थ्रू वहाँ के पीपल, गुजराती पीपल्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लें कि धनवंतरी रथ क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि धनवंतरी रथ एक यात्रा है या कोई स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा, या ऐसा आपसे क्वेश्चन मतलब कर दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, और किस स्टेट का है, किस लिए है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ओके। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020, ओके। सो इसका जो थीम है वो है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये 4 जुलाई को मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, ओके। सो याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो हमारा जो आज का 10वां क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर वोटर्स टू ऑप्ट फॉर पोस्टल बैलॉट इन लोकसभा असेंबली पोल्स आफ्टर रिवीजन। इलेक्शन कमीशन ने अपने इलेक्शन सिस्टम में एक मतलब रिवीजन किया है, मतलब कि फिर से उसे मतलब अपडेट किया है कि अगर कोई 65 साल से ऊपर का है तो वह जब अपना वो वोट देने जाए तो वो पोस्टल बैलेट का यूज़ कर सके, ठीक है। पहले ये हमारे देश में 80 साल के ऊपर के नागरिकों के लिए था। सो इसे समझते हैं ये है क्या। अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, पीपल एज 65 ईयर एंड अबाव कैन ऑप्ट फॉर द पोस्टल बैलेट फैसिलिटी इन लोकसभा एंड असेंबली पोल्स। लॉ मिनिस्टर हैज amended द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। द मिनिमम एज लिमिट फॉर वोटर्स टू ऑप्ट फॉर द पोस्टल बैलेट इज रिड्यूस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 80 ईयर्स। द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो अलाउड द COVID-19 सस्पेक्ट और अफेक्टेड पर्सन टू यूज द पोस्टल बैलेट फैसिलिटी। वोटर्स ऑफ बिहार विल बी द फर्स्ट टू बेनिफिट फ्रॉम द amended रूल। ये जो रूल, पहला जो रूल बन के आया हुआ है, अभी तक ये नहीं था, ठीक है, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के तहत, ठीक है। सो ये बिहार राज्य एक पहला राज्य बनेगा जो इस रूल को पहले ये यूज़ कर पाएगा, ठीक है। सो ये अच्छा होगा और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020-21 के तहत हमारे देश को नशा मुक्त किया जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू ये मिशन को लॉन्च किया गया है, एक्शन को लॉन्च किया गया है, ये जो प्लान अब बोल रहा है, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च नशा मुक्त भारत, ठीक है। ये किसके अंतर्गत किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। लॉन्च तो यूनियन मिनिस्ट्री ने किया है, ठीक है, लेकिन ये किसके अंतर्गत किया गया है? तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि हमारा जो भारत है वो नशा मुक्त हो पाएगा? अभी COVID-19 क्राइसिस में आपने एक महीना पहले देखा कि दम भर के दारू की बिक्री हो रही थी और एक दिन में 49 करोड़ 50 करोड़ की एक एक दुकान से सेल हुआ। तो क्या लगता है आपको कि नशा मुक्त भारत हो पाएगा हमारा देश? सो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, अपना राय ज़रूर दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंस्टॉलिंग वीडियो सर्विलेंस एट ओवर 6000 स्टेशन। इंडियन रेलवे ने एक MOU साइन किया है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ
किसके लिए, फॉर वीडियो सर्विलेंस एट ओवर 6000 स्टेशन पे, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, वो रेल टेल ऑर्गेनाइजेशन है करके, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। जो आज का क्वेश्चन नंबर 13 है वो है, टू ब्रिजेस नेम्ड देविका एंड पुनेजा वर रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी। ये जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसमें जम्मू कश्मीर में ये दो ब्रिज अभी रिसेंटली उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। सो ये ब्रिज का नाम है देविका एंड पुनेजा, ठीक है। ये करीब 18 या 20 मीटर का है और ये भी कुछ बड़ा है, ठीक है। सो ये दो ब्रिज बनाए गए हैं। सो ये इम्पोर्टेंट है, देविका और पुनेजा। आपसे पूछ लिया जाए कि देविका और पुनेजा क्या है, कोई मिसाइल सिस्टम है या कोई स्कीम है, या ये ब्रिज के नाम है और कि किस राज्य में बनाए गए हैं, इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सो ये इम्पोर्टेंट है, आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इंडियन स्टेट हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ रिलायंस जियो टीवी टू टेलीकास्ट एजुकेशन मटेरियल टू स्कूल चिल्ड्रन। वो है हरियाणा। हरियाणा ने एक एमयू साइन किया है रिलायंस जियो टीवी के साथ, वो एजुकेशन मटेरियल जो भी है वो उसे अपने बच्चों के पास वो टेलीकास्ट कर पाएगा। जैसे कि अभी सभी लोग अपना ऑनलाइन अपना चला रहे हैं कुछ ना कुछ, वैसे हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि अभी अपने वो अपने जो भी बच्चे हैं पहली क्लास से 12वीं क्लास तक या जो भी कॉलेज की या कुछ भी होगा, ठीक है। सो अब वो किसके साथ टेलीकास्ट करेंगे, तो रिलायंस जियो के साथ। मतलब सारा मटेरियल सब कुछ उनके पास रहेगा, लेकिन जो लाइव आएगा, जैसे कि आप अभी अपने यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हैं, सो ये मैंने अपने आपने बनाया तो आप देख रहे हैं, लेकिन अब हर एक बच्चे के पास तो ऐसे नहीं जाया जा सकता है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर चैनल बना दिया जाएगा जिसके थ्रू बच्चों का टाइमिंग होगा और वो अपने जाके टीवी पे वो अपना स्टडी कर सकेंगे, ठीक है, घर बैठे आराम से बिंदास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द HRD मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस प्लेटफॉर्म का नाम है युक्ति 2.0, ओके। सो ये HRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। जय हिंद।